परिवहन विभाग में सभी ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक्स का संचालन अब परिवहन विभाग अपने स्तर पर करेगा। जयपुर आरटीओ की तर्ज पर ही अन्य आरटीओ और डीटीओ कार्यालय में भी विभाग के स्तर पर ही ट्रैक संचालित होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में योग्य लोगों को ही गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मिले, इसके लिए परिवहन विभाग ने ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक बनाए थे। अभी तक प्रदेश के सभी ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैकों का संचालन एक निजी कंपनी की ओर से किया जा रहा था, लेकिन अब निजी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। ऐसे में परिवहन विभाग ने जयपुर आरटीओ में ट्रैक का संचालन खुद के स्तर पर शुरू किया है। उसी तर्ज पर प्रदेश के अन्य कार्यालयों में भी मौजूद ऑटोमेटेड ट्रैकों का संचालन विभाग अपने ही स्तर पर करेगा। परिवहन आयुक्त ने उन सभी आरटीओ और डीटीओ को निर्देश जारी किए हैं जिनके कार्यालयों में ट्रैक के कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने वाली है। परिवहन आयुक्त ने अपने निर्देशों में कहा है कि ट्रैक के कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने के दिन ही सभी आरटीओ और डीटीओ को ट्रैक का पजेशन लेना होगा। विभाग की ओर से नए सॉफ्टवेयर को तैयार नहीं कर लिया जाता तब तक कंपनी के सॉफ्टवेयर से ही इसका संचालन होगा। ट्रैक के सुचारू संचालन के लिए समय रहते संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली जाए। ट्रैक को हैंडओवर और टेकओवर करते समय सुनिश्चित किया जाए कि उसमें किसी तरह की कोई खराबी नहीं हो। नॉन वर्किंग कंडीशन में ट्रैक का हैंडओवर और टेकओवर नहीं होगा। सीकर, बीकानेर, डीडवाना में 12 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म हो रही है। पाली आरटीओ में 13 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होगी। अलवर, भरतपुर, जोधपुर में 16 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होगी। दौसा आरटीओ में 19 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म हो जाएगी। झालावाड़ में 4 अगस्त, उदयपुर में 23 अगस्त को अवधि खत्म होगी। कोटा और चित्तौड़गढ़ में 24 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होगी। ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैकों का संचालन परिवहन विभाग अपने स्तर पर करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जिस तरह से जयपुर में जगतपुरा परिवहन कार्यालय का ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक विभाग के काबू में नहीं आ रहा, उससे यह आशंका जताई जा रही है कि बाकी कार्यालयों में भी जगतपुरा जैसी हालत हो सकती है। जगतपुरा परिवहन कार्यालय में विभाग ने जब से ट्रैक का पजेशन लिया है तब से ही यहां पर स्थायी रूप से ट्रायल नहीं हो पा रहा है। हालत इतनी खराब है कि कौन सा ट्रैक कब खराब हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। बड़ी संख्या में यहां से लोगों को बिना ट्रायल दिए लौटना पड़ रहा है। अन्य शहरों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को जयपुर जैसी तकलीफ नहीं हो, इसके लिए विभाग के पास दो विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प है कि विभाग जब तक इन ट्रैकों का स्थायी समाधान नहीं निकलता तब तक मैनुअल ट्रायल लेना शुरू कर दे, क्योंकि जयपुर आरटीओ द्वितीय में अभी भी मैनुअल ट्रायल लिया जा रहा है। विभाग के पास दूसरा विकल्प ये भी है कि स्थायी समाधान होने तक जिस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म हो रही है उसको 2 से 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया जाए। परिवहन कार्यालयों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैकों का संचालन अभी तक जो निजी कंपनी कर रही थी उसका अनुबंध अगस्त महीने तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। परिवहन मुख्यालय तैयारी कर रहा है कि इन सभी ट्रैकों का संचालन जयपुर आरटीओ फर्स्ट की तर्ज पर परिवहन विभाग करे, लेकिन जिस तरह से जयपुर आरटीओ फर्स्ट में यह व्यवस्था फेल हुई है आशंका जताई जा रही है कि पूरे प्रदेश में भी जयपुर प्रथम जैसे हालात हो सकते हैं। ऐसे में परिवहन मुख्यालय के पास दो विकल्प हैं, एक तो ये कि वो मैनुअल लाइसेंस बनाए और दूसरा कंपनी को एक्सटेंशन दें। अब देखना होगा कि परिवहन मुख्यालय किस तरह इस स्थिति से उभर पाता है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।